प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आज दिवस 10 में आप सबका बहुत हार्दिक अभिवादन। और आज हम टीम देहुरिया के द्वारा, ये टीम ऐसी टीम है जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। इस टीम के सारे मेंबर्स एक जगह नहीं थे अवेलेबल, पर उन्होंने अक्रॉस द ज्योग्राफीज, भारत, नेपाल और भी कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज के सुंदर साथ, और भी सिटीज के, स्टेट्स के सुंदर साथ ने जो कोऑर्डिनेशन, सहयोगिता दिखाई है, तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और बिफोर वी बिगिन, छोटा सा अनाउंसमेंट था कल कि हम लोग जो क्विज कंबाइन करके ले रहे थे, तो वो चूंकि बहुत ओवर ज्यादा हो रहा था टाइम, फिर उसको रीप्लान करने की वजह से, तो क्विकली मैं आपको ये शो करूंगा, ये आज शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। बट टू हैव अ क्विक लुक, इसमें अभी ध्वजा देहुरिया ने जो अभी तक प्रेजेंट की है, उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे, कल आज देहुरिया का, कल ध्वजा टीम का, और उसके बाद देहुरिया टीम का क्विज, तो ये अलग अलग हुआ करेंगे अब से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारे पास पुरानी टीमें लिस्ट थी फ्रॉम झरोखा ऑल द वे टू चहबच्चे, देखिए झरोखा से लेके चहबच्चे तक पूरा एक सर्किल फिनिश हो जाता है 14 टीमों का। तो हमारे पास जो ये स्केड्यूल नया हुआ है, उसमें एक रिक्वेस्ट आई कि क्या आप चहबच्चे की टीम फिनिश होके, जो एक राउंड पूरा फिनिश हो रहा है स्टार्ट टू एंड 14 टीम्स का, क्या आप उसके बाद ये चेंज ला सकते हैं? तो फिर उसको उसी हिसाब से मैंने चेंज किया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारे अभी तक की प्रेजेंटेशन और दो क्विजेस नेक्स्ट वीक फिनिश होंगे, उसके बाद 4 अभी तक की प्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस रहेंगी, सुखपाल, दहलान, हिंडोले और चहबच्चे। तो ये कंटिन्यूअस 4 अभी तक की प्रेजेंटेशंस रहेंगी। 15 अगस्त जैसा कि पहले प्लान था, चहबच्चे टीम का जैसे ही अभी तक का मोती प्रेजेंटेशन फिनिश होगा, उसके बाद से वो जो नया प्लान है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी कि फिर क्विजेस, और हर दिन एक क्विज होगी, तो वो सेपरेट टीमों की होगी। तो उसमें बन ऐसे रहा था उनकी चारों की टीमों की क्विज इकट्ठे आ रही थी, तो मैंने उसके बीच में मोनोटोनी ना आ जाए इसके लिए झरोखे को स्टार्ट कर दिया अभी तक से। तो उसके बाद से आप देखोगे रेगुलर अभी तक, 2 अभी तक के बाद 2 क्विजेस हैं, तो इसको आप क्विकली देख पाएंगे कि नेक्स्ट आने वाले टीमों में 2 अभी तक 2 क्विजेस, 2 अभी तक 2 क्विजेस, तो इस हिसाब से चलेगा। तो ये प्लान आपको शेयर कर दिया जाएगा, और इसमें आप पीडीएफ शेयर करके पूरा देख पाएंगे कि अभी तक कौन सी टीम की किस तारीख को है, और उसके अलावा जो क्विज है वो क्विज भी कौन सी टीम की किस तारीख को है, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक और क्विज के अलावा जो भी चीजें हैं वो आप प्लान कर पाएंगे कि किस दिन राखी की छुट्टी है, किस दिन एक गेम्स की प्लानिंग की जा रही है, तो आप सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। वार्षिकोत्सव की वजह से ब्रेक किया जा रहा है, वो कब होगा, तो ये सारी आपको आज टीम में शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। और इस मीटिंग के बाद फिर हम इस पे डिटेल में थोड़ा अगर रिक्वायरमेंट है तो बात करेंगे। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, ओवर टू यू टीम देहुरिया, बस 2 मिनट दीजिए, वो पावर पॉइंट आते ही वी कैन स्टार्ट। जाई रे साध बिना, चलो जग जाई रे साध बिना, साध बिना, साध बिना, साध बिना, चलो जग जाई रे साध बिना, चलो जग जाई रे साध बिना। महामति सो गुरु आया, महामति सो गुरु आया, जो करे सी साफ सबन, देसी सखन है चाले, देसी सखन चाले, सी कब हो ना करी किन। बोलो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, कया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। मेरे प्राणों के आधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना कैसे महावजी भाई की मैं को मारने के लिए श्री जी ने खतरे के वचन कहे और उनका ईमान डोल गया, परंतु रात में तमाचा मार के उन्हें श्री जी ने यह समापन दिया कि सतगुरु हमारे अवगुणों को दूर करने के लिए जो भी रास्ता अपनाए हमें उनके अनुसार ही चलना है और प्रिया जी के चरणों को नहीं छोड़ना। सुंदर साथ जी, मस्कत बंदर का प्रसंग आया है, बंद में जो सुंदर साथ फंस गए थे उनके छूटने के बाद सभी सुंदर साथ मन जो रोष था उसे भी वाणी चर्चा के द्वारा मिटा दिया। अब आगे श्री जी पहले रखकर से भेंट करने के लिए चल पड़े। अपने सुंदर साथ को कुछ अरबी सैनिकों ने बंद में डाल दिया, जिन्हें बंद से भैरव ठक्कर ने लोहाना जाति का होने के नाते छुड़ाने का नैतिक धर्म निभाया और श्री जी और सुंदर साथ की रसोई का भी आदर किया। किंतु श्री जी को तो आत्म जागृति में ही विश्वास था और वे दिन रात वाणी चर्चा करने लगे। आत्म जागृति के लिए चार पदार्थों का परहेज बताया गया, तंबाकू और मांस यानी कि सांसिक भोजन वर्जित करने के लिए कहा, मदिरा और सभी तरह के जो नशे के पदार्थ हैं उनको भी छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। पर स्त्री को माता तुल्य और पर पुरुष को भ्राता तुल्य मानने के लिए कहा गया। चोरी ना करना, सुंदर साथ जी, वचनों की चोरी, मन की चोरी, धन की चोरी, सिर्फ धन की चोरी नहीं होती, ये सब चोरी के लिए हमें मना किया गया है। सुंदर साथ को भैरों सेठ की निश्चल श्रद्धा ने ही उन्हें खाई से निकालकर आत्म जागृति के शिखर तक पहुंचा दिया। तेजबाई और उनके जुथ की सभी बहनों ने भी माया को पीछे कर सत्संग को प्रधानता दी और अपनी आत्म को श्री जी के चरणों में सौंप दिया। श्री जी ने तो अपना तन मन धन परिवार सब कुछ वार दिया सुंदर साथ की जागने की राह पर, और अब उसी मशाल को लेकर उनके ही कदमों पर कदम रखते हुए हम सुंदर साथ को आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम एक प्रसंग सुनेंगे दोपहर के सूरज से और बीतक साहब की वाणी से उनका मिलान करते हैं। आइए सुंदर साहब जी, अब आवासी बंदर से ठट्ठे नगर की तरफ चलेंगे। श्री जी आवासी बंदर से कोक बंदर आए, वहां से नाव पर चढ़कर लाठी बंदर पहुंचे। वहां पर 3-4 दिन रहने के बाद ठट्ठा नगर आ गए। श्री महराज जी के तन में पिया, अनगिनत दुख गले लगाए,
अपने सुख दुख से बेखबर होकर साथ चरणों तले बिठाए हैं। माया तिल सम से यूं बचा करके हर्ष निस्बत निभाते जाते हैं। वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। सुख सागर पिया रूहों के लिए, दर्द पे दर्द सहते जाते हैं। सब सुंदर साथ श्री जी का आगमन सुनकर आह्लादित हो उठा। सबने अपने विरह की पीड़ा शांत की। श्री जी का दीदार करके सबके नेत्र तृप्त हो गए। नाथा जोशी के साथ अनेक सुंदर साथ श्री जी की अगवानी करने आए और प्रेम पूर्वक ले गए। बीतक के प्रकरण नंबर 28 और चौपाई नंबर 3 से भी हमें यही संदेश मिल रहा है सुंदर साथ जी। साथ सब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप, साथ पे सुख पालता मिट गई दुनिया ताप। सुंदर साथ जी, इस चुपाई का भावार्थ तो हमें समझ में आ ही गया, लेकिन यहाँ पिया ने हमें क्या सिखापन दिया? पिया को तो सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है, और उनको पाने के बाद दुनिया के सब दुख मिट जाते हैं। ये सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। जिंदादास ठाकुरी बाई जी के घर पर श्री जी ठहरे। ठाकुरी बाई जी ने बहुत प्रेम पूर्वक भोजन बनाया और सब सुंदर साथ भी अपने घरों से प्रेम पूर्वक भोजन का सामान लेकर आते थे। श्री प्राणनाथ जी सबकी श्रद्धा रखने के लिए अवश्य ही थोड़ा सा खा लेते थे। धीरे धीरे ठट्ठा नगर के बहुत से लोग दर्शन करने आने लगे। पास की मटहरी से भी काफी सुंदर साथ आने लगे और उनकी आत्मा जागृत हुई। प्रकरण 28 और चौपाई नंबर 7 से हमें यह संदेश मिल रहा है। इत उछ रंग साथ में हुआ बड़ा थोर थोर, सब सामाले ले दौड़ी अपने घर से और। सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 10 भी इसी ओर संकेत दे रही है। इत दीदार को आवत ठठे के सब लोग, देख साथ सब दिन को भागत सारा शोक। यहाँ पर श्री जी ने श्री बिहारी जी को पत्र लिखा। पत्र में मस्कत, आवासी बंदर और ठट्ठा नगर आदि सब जगह के घटनाक्रमों का विवरण था। पत्र यह भी लिखा कि मैं कच्छ में आ रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि आप भी वहां आइए ताकि मैं आपसे मिल सकूं। जब श्री जी ने जाने की बात की तो सुंदर साथ बहुत दुखी होकर
जाने की स्वीकृति ही नहीं देता था। इस विषय पर कई दिन तक वार्ता चलती रही। अंत में एक माह के बाद सब सुंदर साथ में श्री जी को जाने की स्वीकृति दे दी। सुंदर साथ जी सिखा रहा है कि पिया की लाडलियों को का दार मिलने पर उत्सव ऐसा माहौल हो गया। और हमारा उत्सव यही है कि हम सब जब भी एक साथ होते हैं, चाहे वो हम जूम पर एक साथ होते हैं, एक दूसरे का दीदार पाकर हम लोग ऐसे लगता है कि कोई उत्सव मना रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बीतक का उत्सव आजकल चल रहा है। अपने प्राणों के आधार सुंदर साथ से मिलन होने से सब शोक समाप्त हो जाता है। प्राणा जी नगर से चलकर नदिया पहुंचे। श्री जी के आगमन की सूचना पाकर धाराभाई नलिया पहुंच गए। धाराभाई ने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैं खंबालिया में रहता था। जब सूरजी भाई मस्कत से खंबालिया आए तो धर्म चर्चा का कार्य तेजी से प्रारंभ हुआ। मुझे श्री राजी का आवेश आने लगा और सुंदर सार को श्री राजी का दर्शन भी होने लगा। मैं परम धाम की लीला का भी वर्णन करने लगा। सब सुंदर साथ मुझे उच्च आसन पर बिठाकर मेरा सम्मान करने लगे। पीतक प्रकरण 29 चौपाई 5। मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार। मैं श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार। उन्होंने ये भी बताया कि वो राज्य की बैठक के कारण उनकी शोभा श्रृंगार सबका वर्णन कर पा रहे थे। इसके जवाब में चौपाई 7 में श्री जी ने कहा, तहां कृपा होवे श्री राज की, तहां साथ सब पूजे, तहां सक न रहवे को, मिल से चित दे। अर्थात जिस व्यक्ति पर धाम धनी की कृपा होती है उसका सभी सुंदर साथ आदर सत्कार करते हैं, और जब राजी किसी के भी दिल में विराजमान हो जाते हैं तो धाम बन जाने के कारण सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और सब सुंदर साथ सच्चे हृदय से उसकी सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी ये बात बिहारी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो छूट मिलने पर शूद्र लोग गाड़ी पर बैठकर अपनी पूजा कराने लगे, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि बड़े बड़े लोग इस पूजा में शामिल नहीं होंगे। तब उन्होंने पत्र लिखकर सूरजी भाई को खंबालिया से बुलवाया। सूरजी भाई से सारा समाचार लेने के बाद उन्होंने कठोर शब्दों में स्पष्ट निर्णय दिया, तुम धारा भाई को परिवार सहित सुंदर साथ से बाहर निकाल दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें ही सुंदर साथ से निकाल देंगे। आपका आदेश चिंता धारा भाई को क्यों सुंदर साथ में करता। हे धामधनी, आपका आदेश सिर माथे पर, भला मैं धारा भाई को क्यों सुंदर साथ में रखती हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे परम धाम से ना निकालें, मेरी भी गिनती 12,000 सुंदर साथ में होती रहे। आप मुझे अपने चरणों से अलग ना करें। प्रकरण 29 चौपाई 17 भी यही बताती है, मेरे नाता श्री धाम का जो कर तोड़त तुम, हम
कबीला ना रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। सूर्जी भाई के मन में यही धारणा थी कि गाड़ी पर बैठने के कारण बिहारी जी ही अक्षरातीत है और उनकी आज्ञा की अवहेलना हुई तो परम धाम और अक्षरातीत कैसे प्राप्त होंगे। उनकी हर उचित व अनुचित आज्ञा को शिरोधार्य करना ही सुंदर साथ का कर्तव्य है। बिहारी जी से मिलकर सूरजी भाई खंबालिया और मुझे परिवार समेत सुंदर साथ और गांव से भी निकाल देने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया। मेरी पत्नी ने रो रो कर सब सुंदर साथ के सामने प्रार्थना की कि हमें परिवार समेत गांव और सुंदर साथ से क्यों निकाला जा रहा है, हमने कौन सा अपराध किया है जो इतनी कठोर सजा दी जा रही है, चर्चा तो हमने नहीं सुनाई है, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। सूरजी भाई ने कहा, जसी भैया इस संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसा करने के लिए बिहारी जी महाराज ने आदेश दिया। यदि तुम सुंदर साथ के बीच में रहना चाहते हो तो बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर प्रार्थना करो। धन पद और सत्ता पाने के बाद कभी भी किसी निरपराध प्राणी को सताना नहीं चाहिए, अन्यथा उस पाप की कालीमा तो युगों तक अपराधी का पीछा करती रहती है। इतिहास ऐसे अपराधी को कभी भी क्षमा नहीं करता। धाराभाई कहते गए। तब मैं सब परिवार नौतनपुरी गया और बिहारी जी महाराज के चरणों में रो रो कर मैंने बहुत प्रार्थना की कि मुझे आप अपने चरणों में रखिए तथा सुंदरसाथ से अलग ना करिए। शायद नियति को यही मंजूर था कि मेरे आंसू गादीपति महाराज को थोड़ा भी नहीं पिघला सके। एक वर्ष हो गया मैं अपने गांव से निष्कासित होकर जगह जगह भटक रहा हूँ। आपका आना सुनकर मेरे मन में बहुत ही आनंद हुआ है। हे मेरे प्राणनाथ, आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपके चरणों को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए। प्रकरण 29 चौपाई 26। अब क्यों जानो त्यों करो, मैं तो आई ग्रहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले हुकम। हे धामधनी, अब आपको जैसा भी उचित लगे वैसा करिए। मैंने तो आपके चरण कमलों का सहारा ले लिया है, इनको छोड़कर अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ जी, एक धनी के चरणों को मान ले तो ले ले तो हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। एक बार कोशिश तो करके देखिए। जैसी भैया, सुंदर साथ जी, सूर्य के प्रकाश से सूर्यकांत मणि पिघल जाती है तथा चंद्रमा की चांदनी में चंद्रकांत मणि भी पिघल जाती है, किंतु ज्ञान की दृष्टि से निरक्षर भट्टाचार्य विवेक और वैराग्य से रहित तथा पद एवं सम्मान के प्यासे लोगों को किसी के भी आंसू नहीं पिघला सकते। श्री जी ने प्यार से सांत्वना देते हुए कहा, धारा भाई, अब तुम किसी भी बात की चिंता ना करो,
बिहारी जी महाराज यहाँ पर आने वाले हैं मेरे आग्रह पर, मैं तुम्हें अवश्य ही सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। बिहारी जी को पत्र भेजा गया था, यही आया आने में। अब श्री जी ने नाची को पुरी ये संदेश देकर भिजवाया कि सुंदर साथ ने मुझे जो कुछ भी धन बस आभूषण भेंट में दिया है वह सब मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इस बार बिहारी जी महाराज का ये उत्तर आया कि महाराज मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने के लिए नलिये में आ रहा हूँ। बिहारी जी नाव में बैठकर मंडई पहुंचे। उनके आगमन की सूचना धाराबाई ने श्री जी को दी। श्री जी ने प्रसन्न होकर धाराबाई को आशीर्वाद दिया। धाराबाई ने केवल यही कामना की कि बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर सकूं और मुझे सपरिवार सुंदर साथ में शामिल किया जाए। इस समय सूरत से आठ सुंदर साथ अपने परिवार सहित नलिया आए हुए थे। श्री प्राणनाथ जी के दर्शन की उन्हें तीव्र लालसा थी। प्रकरण 29 चौपाई 43। आए मिले नलिये शहर में, मिलके हुए खुशहाल। बिहारी जी का गालिया दौड़े दीदार को लिहाल। नलिया नगर में सभी का मिलन हुआ। सभी सुंदर साथ बिहारी जी को दर्शन करने हेतु तेज कदमों से चलते हुए आगे आए। सबने धूमधाम से उनकी अगवानी की। अपने चलने के नलिये का कामदार अपना परिचित था। उसके पास की हवेली बिहारी जी को ठहराने के लिए मांग ली गई। सभी लोग श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। अपने निष्कपट और निश्चल स्वभाव के अनुसार श्री जी ने मस्कत, अबासी तथा ठट्ठा नगर का सारा प्रसाद बनाया। उसे सुनकर बिहारी जी आंतरिक रूप से तो ईर्ष्या की अग्नि में जलकर फूट गए, लेकिन ऊपर से हंसी का दिखावा करने लगे। इससे हमें बिहारी जी के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इसमें बिहारी जी के लोभ, क्रोध, तामसी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। कहां तो वह नलिया आने के लिए तैयार नहीं थे और कहां श्री जी के बताने पर कि सारी भूमि संपत्ति उन्हीं के लिए लाए तो वह झट से तैयार हो गए। उनके अंदर आध्यात्मिकता की कमी थी, लेकिन श्री जी उन्हें अपने गुरु पुत्र मानते थे, इसलिए उनका बहुत सम्मान करते थे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु की पहचान उनके गुणों से करनी चाहिए, ना कि गुरु गद्दी के कारण। श्री जी के निष्पक्ष और निश्चल स्वभाव के कारण वे पूजनीय थे। श्री जी के इसी व्यवहार को हमें भी अपनाना चाहिए और अपनी रहनी सुधारनी चाहिए। सभी सुंदर साथ जब कहीं एकत्रित हो तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे में जब वाणी चर्चा का भी रस मिले तो सोने में सुगंधी वाली स्थिति बन जाती है। श्री जी के मुखारविंद से चर्चा का रस पाकर सुंदर साथ माया के दुखों को भूल गया। प्रकरण 20 उपाय 47।
सब साथ एक ठोर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुख। जी ने रूपा और राधा को एकांत में बुलाकर समझाया। बिहारी जी महाराज को साक्षात ब्रह्म कक्षा दीप का स्वरूप मानकर करो। मेरे तुम बिहारी जी महाराज को साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत का स्वरूप मानकर सेवा करो। यदि तुम मेरे इस आदेश को नहीं मानोगी तो ये समझ लेना कि मेरा तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। बिहारी जी से जागने के संबंध में भावी योजना के बारे में बातचीत की तथा उनके साथ आए हुए सुंदर साथ को वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित किया। श्री जी ने बिहारी जी के समक्ष सभी वस्त्र आभूषण और धन भी समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि तेज कुमारी जी के वस्त्रों और आभूषणों को भी सेवा में भेंट कर दिया। अपने पास पहनने के मात्र दो जोड़े कपड़े ही रखे। प्यारे सुंदर साहब जी, पहनने के लिए दो जोड़े कपड़े ही रखे, इसमें क्या सिखापन है? तो हम सब सुंदर साथ पर मैं दो चार शब्द बोलना जा रहे हूँ। सुंदर साहब जी, त्याग भी आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ियों में से एक है। श्री जी ने अपनी पत्नी तक के वस्त्रों और आभूषण का धर्म के लिए त्याग कर दिया। जैसे जैसे थे मोह माया के बंधन छूटते जाएंगे, हमारे रहने में बदलाव आ जाएगा, अलौकिक सुख प्राप्त होंगे। लौकिक यानी कि क्षणभंगुर संसार को धीरे धीरे भूल जाएगा और हमारा आत्मा सचित आनंद अनादि अक्षरातीत छर अक्षर से परे दिव्य परम धाम धीरे धीरे तन मन सुर तक पहुंच जाएगा। प्यारे सुंदर साहब जी, तत्पश्चात श्री जी ने अति विनम्र भाव से प्रार्थना की। हे महाराज, धाराबाई ने आपके आने की शुभ सूचना जब दी थी, मैंने तभी वचन दे दिया था कि तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करने के लिए मैं सिफारिश करूंगा। इसलिए आपसे मेरी कर प्रार्थना है कि धाराबाई को सुंदर साथ की जमात में शामिल कर लीजिए। मैं तुम्हारी यह प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। धाराबाई को व्यक्तिगत रूप से यहाँ सब परिवार न तो सुंदर साथ में ही सम्मिलित किया जाएगा और न ही उसका मैं परम धाम ले जाऊंगा। शूद्र जाति का होते हुए भी धारा भाई ने जिस प्रकार अपने तन से आवेश लीला की बात चलाई है, मुझे उसका बहुत ही दुख है। दो दिन बीतने पर फिर श्री जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। मैं धारा भाई को वचन दे चुका हूँ कि धारा भाई, तुमने मुझे बिहारी जी महाराज के यहाँ आने की बधाई दी है, इसलिए एक मिनट, सॉरी भैया, पॉज कीजिए एक मिनट, रिकॉर्ड। रूपा जी आ जाओ। मैं तुम्हारी यह प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। धारा भाई को
व्यक्तिगत रूप से या सब परिवार न तो सुंदरता में शामिल किया जाएगा और न ही उसको मैं परमधाम ले जाऊंगा। शूद्र जाति का होते हुए भी धारा भाई ने जिस प्रकार अपने तन से आवेश लीला की बात चलाई है मुझे उसका बहुत ही दुख है। दो दिन बीतने पर फिर श्री जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। आप धाराभाई के निर्णय पर पुनर्विचार कर लीजिए। आखिरकार धाराभाई ने चर्चा सुनाकर कौन सा अपराध किया है? यदि ये मान भी लिया जाए कि धाराभाई ने चर्चा सुनाकर अपराध किया है तो उनकी पत्नी और बहन ने कौन सा पाप किया है जिसके कारण उन्हें भी घर से बाहर निकाला गया है? सिखापन सुंदर साज जी, बिहारी जी ऊंच नीच जातिवाद और अमीर गरीब में बहुत भेदभाव रखते थे। वो शकल सूरत से सुंदर साध को अपनाते थे। अमीर को तो वो गले से लगाते थे और गरीब को पास भी नहीं बिठाते थे। धाराभाई जैसे समर्पित सुंदर साध को बिहारी जी के कठोर हृदय का सामना करना पड़ा। निजानंद स्वामी जी के पुत्र होते हुए इतना कठोर हृदय। श्री जी बार बार विनम्रता भरा निवेदन करते थे लेकिन बिहारी जी कठोरता से विरोध करते थे। धनी पाठक तो निर्मल कोमल और सरल हृदय में होगी जैसे धाराभाई के। श्री जी को बिहारी जी का इतना कठोर हृदय देखकर ऐसे लगने लगा कि इनमें आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे गुरु पुत्र होने के कारण उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये बात सुनकर बिहारी जी बोले, रूपा जी मीरा, जब मैंने तुम्हें मना किया है कि धारा भाई को कभी भी जिक्र नहीं करना तो तुम बार बार उसी की चर्चा क्यों करते हो? यदि तुम लाख बार भी धारा भाई को रहने के लिए कहोगे तो मेरा एक ही उत्तर होगा, नहीं। किसी से भी इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई पर खिलवत की चपाई है, प्रकरण 16 चपाई 32। कोई बात खुदा से ना हो ही, ऐसा ना कहियो कोए, पर एक बात ऐसी बकामी ने जो हक से भी ना होए। सुंदर साहब जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो चाहे कर सकते हैं, वे सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमधाम में एक ऐसी बात है जो श्री राजू से भी नहीं हो सकती। वो आत्माओं को तो दूर की बात, परमधाम में एक कण को भी अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन बिहारी जी अपने दिल में वहम पाले बैठे हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए। वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि मुझ तक पहुंचना है तो सुंदर साथ के साथ प्रेम करो, सुंदर साथ चाहे जैसा भी हो। हम में सेवा, प्रेम, त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव जैसे गुण होने चाहिए, नहीं तो श्री राज जी के हृदय तक पहुंचना असंभव ही नहीं नामुमकिन है। जैसे वृक्ष की डाल को तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन। सात्विक हृदय वाले लोग केवल निकालने की ही मानसिकता पाले रहते हैं, उनके रूखे और कठोर हृदय में जोड़ने की प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो एक चौपाई भी है मेरा सुंदर साहब जी, प्रकरण बीत का चौपाई, प्रकरण 29 चौपाई 62। तब बिहारी जी ने कहया, ए अर्जन सुने हम, यह अर्ज कबहु जिन फेरो मेरा हुकुम, जिन फेरो मेरा हुकुम। बिहारी जी ने उत्तर दिया, मिहराज
मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मुझसे धाराबाई के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, यह मेरा आदेश है और तुम इसका उल्लंघन नहीं करो। श्री रामनाथ जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा को देखकर बिहारी जी के मन में यह डर बैठ गया कि मेरी गद्दी का अस्तित्व खतरे में है। अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने श्री जी से वार्ता करना उचित समझा। उन्हें एकांत में दोनों में इस विषय पर वार्ता हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री जी ने बिहारी जी से कहा, आप मेरे साथ जागनी कार्य में हाथ बटाइए। आराम तलब जीवन के अभ्यस्त हो चुके बिहारी जी ने कहा, ये हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर विरक्त के भेष में जगह जगह धक्के खाएं। जब श्री निजानंद स्वामी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं? तुम मेरी बात मानकर सच देश में जाकर नौकरी करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी इस हालत से तो बेचारी तेज कुबरी का भी जीवन सन्यासियों की तरह हो गया है। जगह जगह घूमने की जो तुम्हारी आदत बन चुकी है, उसे दूसरों पर क्यों थोपते हो? प्रकरण 30 चौपाई 17। तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी जी को जो है करना, सो आए जुड़े तुम ही कर। इससे हमें बिहारी जी के बारे में पता चलता है कि बिहारी जी का मन कैसा था, वे किस राह पर चल रहे थे। वे देवचंद्र जी के पुत्र थे, इसीलिए वे गलत फायदा उठा रहे थे, धाम के धनी का ढोंग करते थे। लेकिन जागनी तो धनी के हुक्म से ही होती है, धनी के हुक्म से ही होती है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, अक्षातीत श्री राज जी का दिया हुआ जागृत बुद्धि का ज्ञान मेरे पास है। जब उससे मैं राजाओं को जागृत करूंगा तो वे आपकी सेवा करेंगे। मेरे लिए 14 लोक के सुख का भी कोई महत्व नहीं है। शाकुंडल और शाकुमार की जागनी मेरी पहली प्राथमिकता है। जब इस संसार में झूठे मत पंथ फैल रहे हैं तो हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान को क्यों ना फैलाएं। संतसाद जी, बीतक की प्रकरण नंबर 30 चौपाई नंबर 10 से भी हमें यही संदेश मिल रहा है। इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्त श्री धाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार। आजकल सैकड़ों नए नए पंथ और उनके आराध्यों की पूजा प्रचलन में है। इन पंथों या देवी देवताओं की मान्यता का कोई मूल आधार ही नहीं है, फिर भी ये संसार में छाए हुए हैं। हमारे पास परम धाम का अखंड ज्ञान है और हमारे सिर पर मेरे धाम के धनी की पल पल छत्र छाया है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके पास कुछ भी धार्मिक ज्ञान नहीं है, इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको पूज्य बनाकर मैं ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा और सबसे चर्चा करके तारतम ज्ञान लेने आपके ही पास भेजूंगा। सभी लोग आपको धाम का धनी मानकर सम्मान देंगे।
सुंदर साथ जी, अब हमें ये सिखापन मिल रहा है कि श्री जी के तन में, श्री जी के तन से इतनी सेवा ले रहे हैं राजी महाराज, वाणी चर्चा जागृत बुद्धि का संपूर्ण ज्ञान उनके पास है, फिर भी वो सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं हर तरह से और हमेशा खुद को सुंदर साथ के चरणों की धूली के समान समझकर नम्रता के साथ ही आगे बढ़ रहे। बिहारी जी बोले, महाराज बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा परिवार है, इनको छोड़कर भला मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? नाम धनी जिसे जागृत करना चाहेंगे वे नौतनपुरी आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग डेढ़ माह तक नलिया में बातचीत का दौर चलता रहा। रूपा और राधा सहित अन्य जिस जिसको बिहारी जी ने निकाला था उन्हें सुंदर साथ में लेने के लिए सिफारिश होती रही, लेकिन बिहारी जी जरा भी नहीं पिघले। उन्होंने निष्ठुरता पूर्वक सबकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। सूर्य का प्रकाश पत्थर को भले ही ना पिघला सके किंतु गर्म तो कर ही देता है, किंतु बिहारी जी की मानसिकता वाले लोगों का मन इतना कठोर होता है कि दूसरों के दुख भरे आंसू उनके हृदय को थोड़ा भी नहीं परिवर्तित कर पाते। श्री जी के मन में बिहारी जी के दुर्व्यवहार से जो खटास पैदा हुई थी उसे गुरु पुत्र होने के भाव से उन्होंने भुला दिया, किंतु बिहारी जी अपनी ईर्ष्या की ज्वाला नहीं बुझा सके। बिहारी जी ने नलिया से प्रस्थान करने के लिए के बाद खंबालिया के राजा को यह बता दिया कि महाराज नलिया आए हुए हैं तथा वे खंबालिया भी नाव से आएंगे। खंबालिया का राजा श्री जी से शत्रु भाव रखता था, उससे अपने मन की कटुता निकालने का अच्छा अवसर मिल गया। सुंदर साहब जी, निंदा और ईर्ष्या सगी बहनें, इनके पाश में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता। वह दूसरों को दुखी तो करता ही, स्वयं भी दुख की ज्वाला में जलता रहता है। तभी सुंदर साथ नलिया से खंबालिया जाने वाली नाव में बैठ गए। श्री जी अभी नाव पर पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें छींक आ गई, जिससे वे असावधान और नाव पर नहीं चढ़ पाए। इसी बीच हवा का तेज झोंका आया जिससे नाव समुद्र में अंदर चली गई। नाव पर पाल बंधी थी के कारण वे वापस ना आ सकी और अंदर ही साहब की प्रकरण की चौपाई 29वीं यही बताती। तब श्री जी पीछे हटे हम ना चढ़े इस ठाप, सकुन मोको ना भयो और राह चले इन काम। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर साथ श्री जी से नाव में बैठने के लिए जिद कर रहे थे और श्री जी के मना करने पर वे भावुकतावश नहीं मान रहे। ऐसे समय में श्री जी को छींक आ गई और वे असावधान हो गए और हवा के वेग से नाव चल पड़ी। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की आत्म का तन और परात्म का तन दोनों ही धन के चरणों में दो तंतले कदम की आत्म पर आता।
सुंदर साहब जी हमें अपने हृदय का प्रेम से अक्षर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जब हमारा तन श्री राज जी के प्रति समर्पित रहेगा तो उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होगा। मैं शकुन अपशकुन की अपेक्षा श्री राज जी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करूं। यात्रा पूरी करने के पश्चात नाव जैसे ही खंबालिया पहुंची राजा के सैनिक सभी सुंदर साथ को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछताछ शुरू कर दी। आप लोग कौन हैं? हम लोग सूरत से आए हैं। आप में महराज कौन है? हम किसी भी महराज को ना तो जानते हैं और ना वे हमारे बीच में हैं। ये जो महिला दिखाई पड़ रही है ये कौन? क्या ये महराज की पत्नी तेज कुवरी नहीं है? नहीं, ये हमारी बहन है। आपकी बातें संदेह पैदा कर रही हैं। यदि आप सभी लोग अपनी तथा कथित बहन के हाथ का बनाया हुआ जल में पकाया हुआ भाव खा लेंगे तो मैं ये मान लूंगा आप सभी भाई बहन है और ये महिला तेज कुवरी नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करते करते तो कितनी उम्र बीत गई, अभी हम आपके सामने कर दिखाते हैं। कुछ समय बाद तेज कुवरी जी के बनाए हुए भोजन को सभी सुंदर सार प्रेम से खाते हैं, जिसे देखकर राजा दंग रह जाता है। उसके मन का सारा भ्रम दूर हो जाता है और वह सब सुंदर साथ को दूसरे दिन बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार बिहारी जी की कृपा से आई हुई घोर विपत्ति टल जाती है। टलेगी भी कैसे नहीं, जब धाम बनी हो साथ तो कोई विपत्ति रह ही कैसे सकती है। जैसा कि रास के प्रकरण 1:17 में भी कहा गया है, जारी धनी धन बटे त्यारे बल वैरी न हरे वही व्या काम सरारे चढ़े मंचितव्या कारसरे। अर्थात जिस किसी पर धाम धनी की कृपा होती है उसकी शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। ब्रह्म शक्ति का प्रस्फुटन होने से माया बल लगा लगा कर हार जाती है और कुछ अनिष्ट नहीं कर पाती। करेगी भी कैसे, जब धाम धनी साथ तो हर बिगड़े काम संवर ही जाते, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, क्योंकि माया तो नश्वर और धाम धनी अनंत सुखों के सागर, जैसा कि हमने उक्त प्रसंग में महसूस किया। धनी न देखे जात, धनी न देखे पात, धनी को तो पाक साफ निश्चल निष्कपट निर्मल हृदय ही भाता है। वही धनी अपनी बैठक कर लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं और रूप माया को हरा धनी के अरस परस हो जाती है। धाराबाई का निश्चल प्रेम व समर्पण ने उनके सभी बिगड़े काम संवार दिए और उन्हें धनी का सामीप्य प्राप्त हुआ। धनी की प्रेम रूपी वर्षा शत्रु स्वरूपा माया की सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है और रूप असल सुख लेती है, प्राप्त करती है। प्रेम प्रणाम जी। जारे धनी धनवट करे हरे त्यारे बल वैरी ना हरे बलिग्या काम सरारे चढ़े मंचित व्याकार जसरे मंचित व्याकार जसरे।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ इंग्लिश मॉरल्स फ्रॉम टुडेज एपिसोड। एज वी नो दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम श्री बीतक साहिब जी, लेट्स हाईलाइट फ्यू लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी लर्न इज अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट। In this episode, we have seen how Jindadas ji prepared food for Shiriji with great love and feeling. Many Sundarsar ji brought with them the food prepared in their house. Not to displease anybody, Shiriji partook a little from all of their preparations to reciprocate his love for the Sundarsar. Next is resilience and surrender. Resilience means drid nishchay and iman in Hindi, and surrender means samarpan. Dharabhai ji has taught us this lesson as he was a divine soul. Maya troubled him a lot as he pleaded for at least a year in front of Bihari ji, but did not let his ego come in this spiritual path as an obstacle. When he met Shiriji, he narrated everything what happened with him and told Shiriji, "Now it shall be your wish and I leave all my worries to you." Sathji, let's leave all our worries to Raji Maharaj and set ourselves free from all the tensions as Dharabhai ji did. That's the only surrender we need in order to meet our ultimate goal. Next, what we learned about is humility, humbleness, modesty. In spite of having great spiritual knowledge, Shiriji was an epitome of humility. As he told Bihari ji in isolation that he would be the one doing awakening, but everybody would give Bihari ji the due respect as Dham Dhani. As Arvani also says, अब जो घड़ी रहो साथ चरने होई रही तुम रेनु समान, इत जागे को फल ही है चेत ली जो कोई चतुर सुजान। Lastly, what not to be learned from Bihari ji is insensitivity and not to trouble innocent people. However, if we ever experience this, let's remind ourselves from our vani only, koi det kasala tumko tum bhala chahiyo tin sarat dham ki na chhodiyo surat piche firao jin surat piche firao jin। Pranam ji, now our lovable Sakhi Rupa ji will tell us that what is upcoming in the next episode in Nepali. Pranam ji, Sundar Sah ji, kal hone wali prasang. Pyare Sundar Sah ji, boli hami sunne chhau kasari ki kasari Shri ji sthal marg bata kacha ran bata dharada ji आउनुहुन्छ अनि त्यो रेतीले बाटो यानी कि बालुई बालुवा भएको बाटोमा आउँदा त्यो समयमा कस्तो प्रकारको बाणी उत्रिन्छ र त्यो बाणीले हामीलाई के सिखा पनि मिल्छ। प्रसङ्ग कुन प्रकारले सूर्यको प्रकाश जस्तै गरी ब्रह्म बाणीका ज्ञान फैलिँदै जान्छ। अनि उता बिहारीजीले सुन्दर साज प्रति कस्तो कस्तो नियम बनाउनुहुन्छ र सुन्दर साजी श्रीजीको साथ घुम्न कति समय कति अवसर मिल्दछ भनेर हामी भोलिको प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढ्ने र सुन्ने मौका पाउनेछौँ। सुन्दर साजी जुन भोलिको बीतक भन्नुहुने सुन्दर साजीले स्पष्ट रूपमा हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। अहिलेलाई यति नै है त सुन्दर साहजी। प्रेम प्रणाम जी। सुन्दर साहजी फिर हमारे प्रिय सखी
के विजय जी के मुखार बिंद से मीठी आवाज में फिर कल का प्रसंग हम सुनेंगे। सुंदर साहब जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी। साहब जी कल हम देखेंगे कि कैसे श्री जी स्थल मार्ग से कच्छ रण से दौरा जी पहुंचे। वो रतीला रास्ता, उस समय कौन सी वाणी उतरी, क्या क्या हमें सिखाकर मिले, और फिर सूरत का प्रसंग, किस तरह से सूर्य के प्रकाश की तरह ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलता चला गया। दूसरी तरफ बिहारी जी उनकी कटुता क्या क्या करवाती है उनसे, सुंदर साथ के लिए वे क्या क्या नियम बनाते हैं, और श्री जी अपने प्रेम और पाक स्वभाव से क्या उत्तर देते हैं। तो साथ जी, श्री जी के साथ घूमने के कितने अवसर मिल रहे हैं, कल जरूर जुड़िए आगे की यात्रा में। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा आपने आज यात्रा कराई नलिए की, और बहुत सारी शिक्षाएं आज के जो प्रसंग था बिहारी जी का और मीरराज जी का और सुंदर साथ जी का, जिनका निष्कासन हुआ था, तो बहुत ही अच्छा उससे मॉरल मिलता है हमें आज की रहनी में। और ये बीतक जो हमें हर साल पढ़ने को मिलती है, आज हम इसको नए स्टाइल से, नए रूप से जो आत्ममंथन करके इसको पढ़ रहे हैं, आत्म विश्लेषण कर रहे हैं, जैसा कि कल बहुत ही प्यारा हम लोगों को ध्वजा टीम के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार हमें जो उस टाइम का जो कैरेक्टर था भैरव ठक्कर, उसको हमें ये नहीं समझना कि वो भैरव ठक्कर उस टाइम का कैरेक्टर है, हमें ये समझना है कि भैरव ठक्कर जो है वो आज के कैरेक्टर हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी एक भैरव ठक्कर है। और उन्होंने सबसे पहला, कल चितवनी की बात शुरू हुई थी तो मैं इसको एक मिनट कंक्लूड करूंगा कि कल चितवनी की बात ये मैंने स्टार्ट की थी कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, तो हमारा मन चितवनी में क्यों नहीं लगता। स्वामी जी ने बहुत अच्छी इसके बारे में चर्चाएं की हैं और YouTube SPJIN पे अपलोडेड है। तो मुझे लग रहा था कि चितवनी ना लगने का सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे अंदर वो पिन पॉइंट कोई करके नहीं बता पाता, तो सबसे पहले हमें पिन पॉइंट करके प्राणनाथ जी ने भैरव ठक्कर के रूप में बताया कि 1, 2, 3 और 4 ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप अपनी वीकनेस समझिए या फिर आप अपने अवगुण समझिए, तो आप इन पे वर्क कीजिए। तो सबसे पहला उन्होंने जो स्टेप था वो क्लियर कट बता दिया कि यू हैव टू एक्ट ऑन दीज 4 पॉइंट्स। आप आत्मविश्लेषण कीजिए हर दिन की बीतक में, व्हाट आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इनमें से कोई आपके हो सकता है ना हो, कुछ एक्स्ट्रा ही पॉइंट हो। तो वो 4 पॉइंट जब भैरव ठक्कर को उन्होंने पॉइंट करके सामने दे दिए, अब उनके पास क्लियर कट एक गाइड है कि मुझे ये 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 और ये निषेध है, इसके अलावा जैसा कि अपेक्षा जी ने बहुत ही अच्छा क्लियर बताया था, चौपाई बीतक की साफ बोल रही थी कि 3 दिन उन्होंने क्या प्रण लिया, 30 दिन का समय दीजिए, 30 डेज सुंदर साथ जी, जैसे कि मैं बोलूं ये 30 दिन की या जितने भी हफ्ते चलेगी ये बीतक जो हम चला रहे हैं, इसको एक प्रण के रूप में लीजिए कि 1 दिन और इसके अगला दिन, उसके अगला दिन हम वो काम नहीं करेंगे जो आज श्री जी ने हमें किसी एक सुंदर साथ, किसी एक बीतक के कैरेक्टर के द्वारा पिन पॉइंट करके बताया है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस प्रकार का उन्होंने प्रण किया कि 30 दिन तक नहीं करूंगा। तो उस टाइम का 30 दिन का प्रण मुझे लगता है कि आज के वातावरण के हिसाब से 1-2 साल का प्रण हो सकता है। उस दिन का जो 3 दिन का उनका दृढ़ जो वर्ड बोला ना उन्होंने कि उन्होंने उन चीजों में, स्वामी जी ने दिवस 13 में 2018 की जो बीतक की चर्चा है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने वर्ड लिया, उन्होंने बोला कि उसने जब छोड़ा बुराई को, दिल से छोड़ा, समर्पण किया, मतलब कि जो राजी हैं अगर हम उनपे पूर्ण समर्पित हैं तो आप अपनी आध्यात्मिकता की जो गाड़ी है उसमें आंख बंद करके बैठी है, रियल वाली नहीं, आध्यात्मिकता की गाड़ी, और ड्राइविंग व्हील हाथ पे हो भले आंखें बंद हो, राज्जी पे जब पूर्ण समर्पण किया तो बुराई को सच्चे दिल से छोड़ा और दृढ़ता पूर्वक
जो बोला गया, चर्चा, चितवनी और ध्यान, और सारा उनका ध्यान पूरा श्री जी के तरफ था। जब 3 दिन में ऐसा हो सकता है तो यही चीज, जैसा कि स्वामी जी ने निजानंद योग में बताया है कि कोई भी एक साधक हो, उसको एनवायरनमेंट अगर उचित मिले तो उसको कितना समय लगेगा, उसको एनवायरनमेंट उचित ना मिले तो कितना समय लगेगा। तो जब ये चर्चनी जो इससे पहले चल रही थी उसका फर्स्ट लेसन था, तो आपके सामने एक स्लाइड शेयर की गई थी कि निजानंद योग में जो स्वामी जी ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लिखा है उसमें कितने माह और कितने वर्ष लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो आज वो सर्कमस्टेंसेस, निजानंद योग हो, चाहे वो दोपहर का सूरज हो, चाहे वो बीतक हो, चाहे वो प्रसंग हो जो आज सुंदर साथ हमें पढ़ के सुना रहे हैं, उनके माध्यम से वो चीजें हमें पिन पॉइंट करके बताई जा रही है कि ये आपका वातावरण है, इसको सात्विक बनाना है, ये वातावरण में तामसिकता है। जब सत्व, रज और तम, तामसिकता मतलब हरिदास जी को जैसे आती है तो वो योग निद्रा की नींद आती है। हम जब चितवनी में बैठे, रात को भरपेट मैंने खाना खाया, सुबह उठूंगा तो मुझे तमो गुण की नींद आएगी, वो योग निद्रा नहीं बोली जाएगी। तो पहले तमो से रज और दोनों को त्यागते हुए सत्गुण की तरफ बढ़े, सतोगुण में हम आहार करें, सतोगुण में विहार करें, एनवायरमेंट पूरा सतोगुण वाला हो, और फिर इसके भी परे वो जो त्रिगुणातीत अक्षरातीत परम धाम है उसको हम अपने धाम हृदय में देखने के लिए आगे बढ़े, और 10 के बाद 11वें जो एकादश द्वार के द्वारा परम गुहा में प्रवेश करके हमारी आत्मा जागृत हो। तो ऐसी आप सब के लिए जो आज देवरिया टीम ने इतनी सारी शिक्षाएं हमारे सामने रखी, हिंदी में, बीच में, दौरान में, बीतक के, और इंग्लिश में, एंड में, सब चीजों को समराइज करते हुए, ऐसा आप सबके लिए मैं राजी से शुभकामनाएं बोलूंगा कि आप सबकी भी आत्मा जागृत हो। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, और कल हम बहुत ही आनंद से ध्वजा टीम के द्वारा क्विज का अवलोकन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज आने वाली है सुंदर साथ जी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बन के तैयारी चल रही है। उसके बाद देहुरिया टीम, जिसकी की ऑलरेडी इतनी बढ़िया प्लानिंग जो हमने देखी, किस प्रकार चित्रा जी ने अक्रॉस द ज्योग्राफीज जाके जो पूरी टीम को मैनेज किया, और पूरी टीम ने इतना वंडरफुल परफॉर्मेंस, संगीतमय परफॉर्मेंस जो आज दिया, बीतक के बीतक की चौपाइयों को गाकर और वाणी के वचनों को भी गाकर जो उन्होंने बताया कि राज्य की धनी जब पतिपना निभाएंगे, जब उसकी कृपा होगी तो वो माया की सारी बाधाएं जो हैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी भी तो हट जाएंगी और आपका मार्ग साफ हो जाएगा। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सबको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं हम। हाँ जी, चित्रा जी आप अपने भाव बताइए। प्रणाम जी। देवहरियों ने इतना प्यार दिया कि रात को सोने से पहले धनी ने दिल में उपजाया कि ये सारा कुछ सब करने का लाभ मुझे ही हुआ है। तो क्या लाभ हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक दिन घूमते फिरते वनों की सुगंधि पाने जा पहुंची इस देवहरी में, सुनी मैंने घुंघरुओं की ध्वनि आशु जी की आवाज में, पाई लहराती हुई ध्वजा पताका रूपा जी जो लहरा लहरा कर सबको 5 मिनट पहले ही मैसेजेस कर देती थी कि सुंदर साथ जी आ जाइए, सखियां आ जाओ, पिया बुला रहे हैं, आओ तैयारी करें। पाया विजय आंटी का आशीर्वाद देहरियों की छत नुमा, पूनम जी के सजेशंस रूपी मीठे फल खाए, और सीमा जी और जस्सी जी से मिले ये हमारे जो प्रकाशमयी थम, जिन्होंने अपनी मीठी रसना से धनी के गुणों का बखान करा और मेरे हृदय को उस प्रकाश से प्रकाशित किया। तो मेरी सबके चरणों में प्रणाम कि इनके साथ जुड़ने का मुझे बहुत लाभ हुआ, अति सुख मिला। धनी मेहरबान, प्रणाम जी।